एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम लोग सब बैठे। गाइज, मैंने आज हाफ डे लिया है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे हाफ डे लेना पड़ा है, लेकिन वो बताऊंगी नहीं मैं, क्योंकि स्कूल वाले भी मेरा ये व्लॉग देख सकते हैं। तो इसलिए अभी जो है हम लोग बैठे थे बाहर चाय पीने के लिए। ये मोबाइल मैन वन है, एक्चुअली सिर्फ मोबाइल में रह सकते, वो मोबाइल के बिना वो सांस तक नहीं ले सकते। ये देखिए, ये मोबाइल है इनका, जो कि कुछ दिनों बाद ऐसे गायब करने वाली हूँ मैं कि खतरनाक वाला। और ये है जो कि ज़बरदस्ती वाला नहा के आई है। इसको जैसे ही दिखी है उसको बाथरूम में भेज दिया गया था नहाने के लिए। वो तो 6:30 बजे उठ के नहा ली है। और ये जो है इसको बोल बोल के मम्मी थक गई और खुद चली गई नहाने। ये बंदा अभी तक यही बैठा है। अभी मैं इसको बोल रही हूँ, मैं घासीलाल का वड़ा पाव बनाने वाली, पाव लेके आ, पाव लेके आ, वो भी नहीं कर रहा है। अभी बाजे है नो। ये देखिए, तो ये देखिए, ये खाली कुर्सी थी, ये आई की थी। और चलिए अब बनाते हैं घासीलाल का वड़ा पाव। ये हंस हंस के खोखने लगी। तो चलिए दिखाती हूँ आराध्य। आराध्य अभी जो है गाइस सो रहा है, और थोड़ी देर बाद जब उठेगा तब घासीलाल का वड़ा पाव वो भी खाएगा मेरा बच्चा। तो चलिए बनाते हैं घासीलाल का वड़ा पाव। पहले तो फ्रिज में रिसर्च करना है कि कहाँ पे मिल सकता है हमें घासीलाल के वड़ा पाव का मसाला। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं और आज मैं स्कूल से बहुत ही ज़्यादा लेट आई। मतलब 5 बजे स्कूल से निकली थी, उसके बाद श्वेता का हेयर कट करना था, इसलिए हम लोग हेयर कट करने गए थे। परसों जहाँ पर हमने हेयर कट किया था वहीं पर। तो अभी जो है हम लोग है यहाँ पर, मतलब कि मैं घर पर हूँ, वो लोग अपने घर पर है, और हम लोग घर पर आ गए अभी। साथ ही साथ पानी पूरी खाई थी, लेकिन ऋतुजा को ज़्यादा यूट्यूब पे आना पसंद नहीं है, इसलिए वीडियो मैंने नहीं किया। तो घर पे आज लेट आ गई और बहुत ज़्यादा थक भी गई। चाय पीने का मन था लेकिन नहीं पिया, तो अभी थोड़ा सा लेट लेती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा आराम करती हूँ 10-15 मिनट के बाद। और दीदी और वो बाहर जाने वाले, देखती हूँ अगर पॉसिबल है तो मैं भी बाहर जाऊँगी उनके साथ, तो फिर व्लॉग करूँगी और भी ज़्यादा, मतलब कुछ एक्सप्लोर करूँगी तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना व्लॉग में, इसलिए। तो चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ। 8:30 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। 8:30 बजे थोड़ा सा बाहर जाके आऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। और वैसे भी आज गाइस मेरे पापा का बर्थडे है, तो मैंने भाई को बोल दिया है कि वो केक लेके आए, हम लोग पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं, उसको आज बहुत ज़्यादा काम है इसलिए वो बोला कि मैं लेट आने वाला हूँ, लेकिन अगर जल्दी आ गया तो वेल एंड गुड, और फिर पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय। भाई ने जो है पल्लवी को बोला है तुअर की दाल चाहिए, उसको दाल चाहिए, और उसे बोला है कि पुराने डिब्बे में है। तो पल्लवी जो है बहुत सारे डिब्बे ढूंढ रही है, देखिए यहाँ पे, और मुंह छुपा रही है उधर। तो मेरे ख्याल से इसमें होगा, यहाँ पे चेक कर लो। पुराने डिब्बे में बोला है, तो मैडम जी पुराने डिब्बे ढूंढ रही है। मिल गया, देखा, आई एम वेरी मच एक्सपर्ट, बाय बाय। हे गाइस, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि हम लोग बाहर जाने वाले, दीदी मैं आराध्य और जिया जी। तो आराध्य और जिया जी तो ऑलरेडी चले गए हैं, और हम लोग जो है अभी जा रहे हैं बाहर, मतलब सिस्टर और मैं पीछे रह गए थे। जिया जी वेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो चलिए निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। ये देखिए, ये है सिस्टर यहाँ पर, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर जाके खाने वाले पानी पूरी, और देखते हैं और क्या हो सकता है। आराध्या की पैंट्स लेने के लिए हम लोग आने वाले थे, और ये जिया जी हमारे, और अभी पैंट शायद से मिल गई उनको। ओके, देखते हैं क्या प्लान है अभी नेक्स्ट। तो गाइस अभी जो एक ड्रेस हमने थोड़ा सा अल्टरिंग के लिए डाला था, तो वो ड्रेस हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद खाएंगे पानीपुरी। पानीपुरी खाने का मेरा तो मन नहीं है, लेकिन देखते हैं। अभी ड्रेस अल्टर किया है वो तो ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और आम खरीदने हैं गाइस। आम देखते हैं आम कैसे मिलते हैं। अभी शॉप में हम लोग आए, यहाँ पे लेगिन वगैरह भी है, ये तो पैंट्स है अलग अलग, और ये यहाँ पर ब्लाउज़, यहाँ पर मैं मेरे ब्लाउज़ यहीं पर सिलवाती हूँ फ्रेंड्स गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लाउज पीस भी है अलग अलग टाइप का, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ब्लाउज सिलवाते हुए मेरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थे आम, और हमने आम ले लिए अभी, और अभी जो है हम लोग
हम लोग जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। ये देखें यहाँ पे, ये है हमारे काकड़े डॉक्टर का क्लिनिक। तो ये अभी जाते हैं प्रेम बंधु की पानी पूरी खाने के लिए। वैसे गाइस मुझे पानी पूरी खाने का बिल्कुल मन नहीं है अभी, क्योंकि मैंने शाम को ही पानी पूरी खाई है ऋतुजा और श्वेता के साथ। अकेले खाती है ये गाइस? नहीं नहीं, अकेले नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ थी। पर हम तो इतना ज़्यादा नहीं, एक ही प्लेट खाई हम लोगों ने, लेकिन अभी खाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं। अगर गाइस चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी होती है, तो चलिए देखते हैं। दीदी को एंजाइटी जैसा फील हो रहा है, तो वो सोच रही है कि कोई टैबलेट्स वगैरह हो तो वो ले लेगी, तो अभी वो वहाँ पे गई है मेडिकल में। हम लोग यहाँ पे आराध्य और मैं वेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा इस सस्ती ब्लॉगर और टीम पे। घर के लिए बहुत सारे पार्सल हमने ले लिए, ये देख लीजिए यहाँ पे। और चलिए निकलते हैं अभी घर के लिए। दही गुलाब तो गाइस आपने कल की वीडियो में देख लिए, और वो इतना औसम टेस्टी होता है ना। आज जो है मैं दही पाइनएप्पल लेके गई थी, और ऋतुजा को इतना ज़्यादा पसंद आया है, वो बोल रही थी मेरे से ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैंने उसको बुलाया भी था घर पे, लेकिन अचानक से हमारे स्कूल का टाइमिंग आज से 8 to 5 हो गया, और 5 o'clock तक हमें मतलब किसी के पास भी इतना एनर्जी नहीं था कि हम लोग कुछ करेंगे। अभी जो है हमने बहुत सारे आइसक्रीम लिए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आइसक्रीम होते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, दिखाओ दिखाओ आइसक्रीम। वाह, मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अरुण से लिया है गाइस ये, तो अरुण के आइसक्रीम में अलग अलग कलर की वैरायटीज़ हैं, और बहुत ही मज़ा आ गया खाने के लिए, और फ्लेवर भी अलग अलग, तो मज़ा आ गया। एक ही बाइट खाया है, घर पे जाके खाऊंगी अभी। तो दीदी भी अभी जो है, दीदी का कंट्रोल नहीं हुआ है, और उसने कौन सा बाइट है ये, बेरी बेरी तो ये बेरीज है गाइस, तो पेरिस वाला बाइट उसने लिया है, या फिर बाइट बचे तो वेल एंड गुड, आपको दिखाती हूँ लेकिन कैसे हुए। आ चुके हैं हम लोग, थक गए। अरे डोर लॉक करना भूल गई मैं। ये जो थैली है, अभी ये रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, तो आई का जुगाड़ देखिए, ये देखिए हमारी अम्मा, और ये देखिए इसका जुगाड़, और हमारी शर्मिली भाभी जो कि फिर से शर्माएगी, खाते वक्त भी वीडियो करने नहीं देती, अभी उधर मुँह करेगी और ये जुगाड़ तो भाई, ऐसा जुगाड़ तो कोई इंडियन ही कर सकता है।